उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। राष्ट्रपति शासन पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। राष्ट्रपति शासन पर कुछ ही देर में फैसला संभव है। नैनीताल हाईकोर्ट में पूरी हुई है सुनवाई। एकल पीठ लिख रहा है अपना फैसला। कांग्रेस ने हाईकोर्ट में राष्ट्रपति शासन को दी थी चुनौती। अपने दर्शकों को बता दें सुनवाई जो कल शुरू हुई थी और आज के लिए उसे टाल दिया गया था और आज सुनवाई पूरी हो गई है। कुछ ही देर में फैसला संभव है। फिलहाल कोर्ट के अंदर फैसला लिखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह फैसला रिजर्व नहीं किया जाएगा, इसको आज सार्वजनिक किया जाएगा। अपने दर्शकों को बताते लगातार कांग्रेस इसी कोशिश में थी कि किसी भी तरीके से राष्ट्रपति शासन के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए और इसी के मद्देनजर इसे अहम कोशिश माना जा रहा था। और अब जबकि ये फैसला लिखा जा रहा है तो कुछ ही पलों में ये तय हो पाएगा कि कोर्ट ने इसमें क्या कहा है। हालांकि आगे बहुत सारी तकनीकी पेचीदगियां हैं, क्या रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाएगा और रिव्यू पिटीशन अगर फाइल भी किया गया तो उसका अर्थ और उसका फैसला क्या आएगा, ये भी एक बड़ी बात है कि कांग्रेस एक सी स्थितियां नजर आती है रिव्यू पिटीशन के दौरान भी। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो गई है और सुनवाई के बाद फैसला कुछ ही पलों में आने वाला है। फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, सार्वजनिक कर लिया जाएगा। फिलहाल एकल पीठ इस फैसले को लिख रही है कोर्ट के अंदर। अपने दर्शकों को बता दें यहां से आगे की क्या कोशिश की जाएगी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार कांग्रेस राष्ट्रपति शासन जो प्रदेश में लगाया गया है इसकी मुखालफत कर रही है, इसके विरोध में है और इसी विरोध की कोशिश है कि कोर्ट में पूरा मामला गया और उसके बाद अब फैसला आने की बात कही जा रही है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से और वहीं बीजेपी भी अपने इस पूरे मामले को लेकर आश्वस्त है कि जो कुछ प्रदेश में किया गया कोर्ट भी इसी पर लगभग मुहर लगाने वाली है। लेकिन इंतजार अभी बाकी है क्योंकि कोर्ट की तरफ से फैसला आना बाकी है और उसी फैसले के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर इस फैसले के बाद किसको राहत मिलेगी। हालांकि कह सकते हैं कि अगर फेवर में कांग्रेस के यही फैसला गया तो वाकई ये संजीवनी देने वाला होगा इस मौके पर जब कांग्रेस चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी फैसला आना बाकी है और क्या कुछ कोर्ट के अंदर लिखा जा रहा है इसका सभी को इंतजार है। हालांकि सुनवाई पूरी हो गई है इस वक्त की बड़ी खबर हमको मिल रही है। तो राष्ट्रपति शासन पर कुछ ही देर में फैसला संभव है इस तरह की जानकारी मिल रही है। नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, आपको बता दें कल भी सुनवाई हुई और लंच के बाद तक कल ये सुनवाई चलती रही, उसके बाद इसे आज के लिए पोस्टपोन किया गया था और आज 10 बजे के बाद जब से सुनवाई शुरू हुई है अब से कुछ ही देर पहले ये सुनवाई पूरी हुई है और अब फैसला लिखा जा रहा है और फैसला अब सार्वजनिक कर दिया जाएगा। कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में ये फैसला बाहर आने वाला है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है राष्ट्रपति शासन को लेकर जो विरोध है कांग्रेस का उसके खिलाफ लगातार कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करती रही है। सीधे रुक करेंगे देहरादून का, मेरे सहयोगी हेमंत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी कोशिश, लगातार हर प्रयास कांग्रेस ने किया और उसी प्रयास में इस याचिका को जो कोर्ट में डाला गया देखा जा रहा है। किस तरह की जानकारी हेम हमको मिल पा रही है, क्या कुछ हो सकता है, किस तरह का फैसला और कब तक ही फैसला आने की उम्मीद है? घनश्याम देखिए, इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है कोर्ट की एकल पीठ में और इस वक्त ऑर्डर लिखाया जा रहा है और अगर ऑर्डर लिखाया जा रहा है सुरक्षित, अगर कोर्ट को रखना होता तो शायद सुरक्षित रख लिया जाता लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। जल्दी ये फैसला आएगा, अभी चूंकि लंच का टाइम वहां पर होगा तो उसके बाद ये ऑर्डर सामने आ सकता है और जो भी ऑर्डर आएगा अगर ये हरीश रावत के पक्ष में अगर ये आता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली ये जो अपील ये याचिका है, इसे ये अगर इसके पक्ष में ये फैसला आता है कि यहाँ गलत लगाया गया या विपक्ष में भी आता है तो इसका रिव्यू वहां फाइल करने की तैयारी है। फिर डबल बेंच है, डबल बेंच में इसको ले जाया जाएगा मामले को और ये देर सवेरे सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला पहुंचेगा घनश्याम। लेकिन हम रिव्यू पिटीशन की जब जब बात करते हैं तो फैसले में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन जैसा आप भी कह रहे हैं कि डबल बेंच में भी इस पूरे मामले को ले जाया जाएगा तो इसकी तैयारी और इसकी गुंजाइश फिलहाल देखी जा रही है क्या? बिल्कुल गुंजाइश बनी है घनश्याम। रिव्यू पिटीशन देखिए, ये सब जो न्यायिक प्रक्रिया है एक रेमेडीज पूरी करने की तरह, अगर आप सीधे डबल बेंच में जाते हैं तो डबल बेंच ये भी बोल सकती है कि आप एक बार रिव्यू फाइल कर सकते थे सिंगल बेंच के ऑर्डर में अगर आपको कहीं पर इस ऑर्डर से दिक्कत थी, तो ये सब एक रेमेडीज पूरी करने की बातें हैं। न्यायिक प्रक्रिया में आपको एक के बाद एक स्टेप उठाने पड़ते हैं और हरीश रावत यही जानते थे, इसलिए वो राज्यपाल से भी मुलाकात करके आए, अपना ज्ञापन सौंप के आए, वही एनेक्जर उन्होंने हाईकोर्ट में भी लगाया कि हम राज्यपाल से मिलकर आ गए, हम तो कह रहे हैं उनसे कि हमें सरकार बनाने का मौका दो लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती, वो माफ कीजिएगा राज्यपाल सुनना ही नहीं चाहते और राष्ट्रपति शासन ही इन्होंने गलत लगाया। तो ये सारी रेमेडीज हैं, रिव्यू पिटीशन जाएगी उसका कोई मतलब बनता नहीं है, कोई पक्ष में फैसला आ जाए ऐसी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन डबल बेंच से मैं जाने से पहले एक रेमेडीज है, रिव्यू डाला जाएगा, डबल बेंच में जाया जाएगा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुलेंगे, वहां तक ये याचिका ले जाई जाएगी किसी भी के पक्ष में आए या विपक्ष में आए। फैसला कोर्ट के रास्ते हमेशा सभी के लिए खुले रहते हैं और चूंकि एक पॉलिटिकल मामला है, बेहद संवेदनशील मामला है, राज्य की राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है, तो हर स्तर पर कोर्ट की हर दहलीज को
इसमें पहुंचा जाएगा। लेकिन हेम आपको नहीं लगता कि जितना टाइम डिले होगा ये डिले ऑफ टाइम किसको फेवर देगा, किसके फेवर में जाएगा? जाहिर सी बात है कि जितना समय खींचता है क्या ये हरीश रावत के लिए मुफीद होगा या बीजेपी इसमें माइलेज ले पाएगी? देखिए घनश्याम, बहुत जल्दी ये घटनाक्रम बदल गया। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद एकदम से हरीश रावत एक्टिव मोड में आ गए और वो राज्यपाल से मुलाकात कर ली और दूसरे दिन ही इस मामले को चुनौती हाईकोर्ट में दे दी गई। तो बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला है और तेजी से काम चला। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में बहुत तेजी से काम किया ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो सेंट्रल कल वहां पर वक्त मांग रही थी कि 10 दिन का हमें समय दीजिए, हमें तैयारी करनी है, पूरा हमें ग्राउंड तैयार करना है, हमारी जो काउंसिल है वो बाहर से आएगा, लेकिन वो वक्त दिया ही नहीं, आज ही का दिया और आज ही सारे जवाब मांग लिए। और जो कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें राष्ट्रपति शासन की जो सिफारिशें लगाई थी उसके दस्तावेज आज कोर्ट ने तलब कर दिए कि क्या आधार बनाकर आपने सिफारिश की केंद्रीय कैबिनेट में, वो आज तथ्य सामने रखे हैं कोर्ट के सामने। अब देखना होगा कि अब जो आप कह रहे हैं कि जो वक्त जो है वो खींचता जा रहा है, ये न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें कम समय लगे या अधिक लगे अल्टीमेटली फैसला निर्भर करता है, फैसला क्या आएगा और उसी के बाद फिर अगली जो तस्वीर है उत्तराखंड के जो राजनीतिक, जिसको हम लंबे समय से पॉलिटिकल क्राइसिस बोलते आ रहे, उसमें आप क्या मोड़ आएगा वो आज नैनीताल हाई कोर्ट। 18 तारीख के बाद जो सियासी संकट उत्तराखंड में हमने देखा उसको आपका विश्लेषण क्या कहता है? ये संकट सुलझने की बजाय क्या और ज्यादा उलझता जा रहा है? संवैधानिक पेचीदगियों के साथ अब कानूनी कार्रवाई भी इसमें सम्मिलित हो गई, ये माना जाए कि बढ़ते हुए समय के साथ ये दिक्कतें और ज्यादा बढ़ रही है प्रदेश के हित में। देखिए घनश्याम, अब तो सारा मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, न्यायालय की शरण में पहुंच चुका है। अभी तक जितनी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी संसद के भीतर 18 मार्च के दिन जो हुआ विधानसभा में, उसके बाद से जो लगातार हर दिन कैसे विधायकों को इधर से उधर ले जाया गया, बाद में एक बहुत बड़ा खुलासा किया, स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद उसमें घिरे नजर आए, तो ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ है ये सिर्फ अभी तक लड़ाई बाहर थी, अब कोर्ट में पहुंच चुकी है। कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होगा, जो कोर्ट बोलेगी उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास रास्ता है, आप कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते, तो आपके लिए दूसरी बेंच है, आप खंडपीठ में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, और जब तक न्याय के मतलब न्यायालय से जब तक निर्णय नहीं आएगा, जो भी निर्णय आएगा वो अल्टीमेटली फाइनल होगा। चाहे हरीश रावत अब राष्ट्रपति से उनका प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में मुलाकात करे या राज्यपाल से वो मिलते रहे, वो ये बातें कहते रहे कि मैं सरकार बनाने को तैयार हूं, लेकिन अब एक बार जब कोर्ट में मामला चले गया है तो उस पर आप सबकी नजर रहेगी कि क्या निर्णय आता है, लेकिन ऑप्शन अभी भी खाली है। केवल आप मेरे साथ रहिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल मेरे साथ जुड़े। मित्तल साहब स्वागत है आपका। अब बीजेपी का स्टैंड क्या रहने वाला है? आज तो कांग्रेस के लोग भी मिलने वाले हैं और जो नैनीताल हाईकोर्ट में वहां सुनवाई पूरी हो रही है, बीजेपी का स्टैंड क्या रहेगा सर? अब नहीं, बीजेपी का स्टैंड तो स्पष्ट है। हाँ, एक मुख्यमंत्री खरीद फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, अगर वो भी ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं है, जबकि 28 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना था, तो किसको ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? उत्तराखंड का तो मजाक बना दिया इन लोगों ने। मतलब कानून, संविधान, ये सारी चीजें जैसे हैं ये सिर्फ शब्द रह गए हैं इनकी इनकी निगाह में। आप सोचिए, फाइनेंस बिल जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे परास्त होता है और स्पीकर कहते नहीं पास हो गया। ऐसा ऐसा कभी संसदीय व्यवस्था का को नकारना मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा। और मित्र साहब, कांग्रेस ये कह रही है ना लगातार, जब फ्लोर टेस्ट होना था उससे एक दिन के पहले की जल्दबाजी, क्या बीजेपी इस भय में आ गई थी कि जोड़ तोड़ करके बहुमत साबित कर लेंगे हरीश रावत, क्या ये घबराहट आ गई थी? बहुत अच्छा बात कही है। एक दिन फ्लोर टेस्ट, एक दिन पहले फ्लोर टेस्ट के 9 विधायकों की सदस्यता को निरस्त करना, ये तो प्रजातांत्रिक है, और अपना कानूनी और संवैधानिक उत्तरदायित्व निभाना ये अलोकतांत्रिक है। कैसे कैसे कुतर्क लोग देने लगे यहाँ पे। मतलब स्पीकर ने 9 जनों को क्यों बर्खास्त करा? सिर्फ इसलिए बर्खास्त करा ताकि फ्लोर टेस्ट वाले दिन हेन के तकेण से वो अपनी जो है बहुमत सिद्ध कर सके, यही तो करा ना, नहीं तो क्यों करा था? 15 दिन का समय होता है, अगर आपको संविधान के अनुच्छेद 10 का अंदाजा हो तो एक विधायक को 15 दिन का समय होता है अगर उसने किसी विप का उल्लंघन करा है कि वो उसको ठीक करवाए, उसके बाद ही सिर्फ स्पीकर जो है उसका संज्ञान ले सकता है। यहां तो 9 दिन में निरस्त भी कर दिया आपने उसकी सदस्यता को,
लेकिन मित्र साहब आपको नहीं लगता कांग्रेस का जो अंदरी जो अंदरूनी अंतर्द्वंद था वो कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में तब्दील हो गया? असल में कलह तो अंदर की थी जैसा आप लोग भी कहते थे, लेकिन अब तो दोनों पार्टियां हो गई हैं सामने। हम तो हम कैसे पार्टी हो गई? इनके यहाँ देखिए अभी तक सारे राज्यों में इनकी प्रक्रिया देखिए। अरुणाचल में ये हुआ, अरुणाचल में क्यों हुआ? कनिको पुल जो आज मुख्यमंत्री है वहां के, वो चार महीने तक दिल्ली में बैठे रहे अपने विधायकों को लेके, किस विधायकों को लेके, और राहुल गांधी जी के पास समय नहीं था। वो आप चिंतन में या तो व्यस्त थे या अपनी छुट्टियों में व्यस्त थे, तो क्या करेगा विधायक? अगर किसी प्रादेशिक नेतृत्व का इस तरह उपहास हो, इस तरह उसको जो है गौण बताया जाए, तो क्या होगा? विद्रोह होना स्वाभाविक है। और देखिए हम पे तब भी इल्जाम लगाए थे इन्होंने, अरुणाचल में भाजपा सरकार में नहीं है, सरकार में वो बागी विधायक जिसको ये कहते हैं वो है। हमारा कुछ नहीं, इनका आपस के झगड़े, आपस के इनका द्वंद, आपस में इनका दुराचरण, आपस में इनका भ्रष्टाचार, और इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। नहीं नहीं, इल्जाम तो मित्र साहब ये है ना, जो आपसी कलह है इनके अंदर की, उसका फायदा उठा के आप जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं वो बैकडोर एंट्री है असल में, इस तरह की स्ट्रेटेजी लेके। लेकिन ये करे, जिस दिन बैकडोर एंट्री हो जाए उस दिन तो इल्जाम लगेगा ना। उससे पहले तो संविधान का अगर ये हनन करेंगे तो केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व क्या है? संविधान की रक्षा करना उत्तरदायित्व है या इनके इल्जामों की वजह से चुप होना उसका उत्तरदायित्व? मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं, अपना उत्तरदायित्व समझते हुए जब खरीद फरोख्त हो रही है और रंगे हाथों जब हरीश रावत पकड़े जाते हैं, तो जो उनका संवैधानिक उत्तरदायित्व था केंद्र सरकार ने निभाया, बखूबी निभाया, और उसके लिए वो बधाई की पात्र है। तो आप गवर्नमेंट बनाएंगे? आप ये भी क्लियर कर दीजिए ना सर, बार बार ये पूछा जाता है तो आप कहते मंत्रणा करेंगे, अब वो मंत्रणा पूरी हो चुकी है क्या सर? अभी अभी जो है स्थिति में कानून हाईकोर्ट से स्थिति है, उच्च न्यायालय के संज्ञान में है, उनको इसकी वैधिकता का निर्णय ले लेना चाहिए, उसके बाद जैसी स्थिति होगी वैसे देखेंगे। राज्यपाल अगर निमंत्रण आपको देंगे तो आप सरकार बनाएंगे ये तय मैं मानूं? अगर अगर मगर में जिंदगी नहीं चलती और अगर मगर पे राज्य सर, ये उत्तराखंड लेकिन अगर मगर में फंस गया है सर, कांग्रेस अगर करती है आप मगर करते हैं राष्ट्र, आप ये बताइए ना मित्र साहब, राष्ट्रपति शासन लगना क्या किसी प्रदेश के हित में जाता है विकास कार्य को लेकर? राष्ट्रपति शासन जो है उसकी अनिवार्यता इनके दुराचरण से हुई है, कृपा करके ये समझिए। कोई भी केंद्र सरकार या कोई भी जनता नहीं चाहती कि वहां की सरकार का बर्खास्त करा जाए, लेकिन आप एक बेहतर विकल्प के तौर पर मौजूद हैं, ये भी तो आप बताएंगे ना मित्तल साहब, आप एक बेस्ट ऑप्शन है ये तो समझाएंगे लोगों को? दोबारा बताइए, मैं सुन नहीं पाया सर। आप मान रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन वाकई नहीं लगना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की वजह से सब कुछ हुआ, लेकिन बीजेपी एक बेहतर विकल्प है और अब बीजेपी सरकार बनाएगी, कम से कम ये तो क्लियर हो जाए प्रदेश की जनता डायलॉगों में है सर। अभी तक तो एक चीज है कि राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया था, जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद खरीद फरोख्त करके राजनीति को एक निम्न स्तर पे ले गया हो, उस चीज की सार्थकता को, उस चीज की मान्यताओं को वापस स्थापित करना सबसे पहला काम है। ठीक है, पहले वो होने के बाद फिर आगे। चलिए अभी भी स्थिति आप स्पष्ट करते नजर नहीं आ रहे, बहुत शुक्रिया मित्तल साहब समाचार प्रेस से बात करने के लिए, और समाचार प्रेस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं। उमेश जी स्वागत आपका भी। सबसे पहले सवाल यही सर आपसे जानना चाहता हूँ, जो स्थिति हम फिलहाल प्रदेश में देख रहे हैं ये प्रदेश किस ओर जाता हुआ दिखाई देता है सर? देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो स्थिति इस समय उत्तराखंड राज्य में बन गई है, वो बड़ी विचित्र स्थिति है जी, क्योंकि आम जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो ये कानूनी दाव पेच है, पावर पॉलिटिक्स है, इसको उससे कोई लेना नहीं, लेना देना नहीं है, सफर आम जनता ही कर रही है। तो कुल मिलाकर अभी सारे मामले में जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है जिस पर अब 2:30 बजे फैसला आना है, वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, पूरे देश की उस पर निगाहें बनी हुई है। अब ये देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि बागी विधायकों का कहना है कि मत विभाजन की मांग की गई थी, और जब मत विभाजन की मांग की गई थी तो उस समय उन्होंने वित्त विधेयक के फेवर में अपना वोट नहीं किया, तो इसका मतलब वित्त विधेयक गिर गया। अगर वित्त विधेयक गिर गया तो सरकार ऑटोमेटिकली अल्पमत में आ गई, अगर अल्पमत में आ गई तो फिर किस बात को बहुमत साबित करने की बात चल रही थी? चलिए अगर बहुमत साबित करने की बात चल रही थी तो उसके बाद दूसरा खुलासा बड़ा हो गया समाचार प्लस के जरिए से कि होर्स ट्रेडिंग चल रही है। तो कुल मिलाकर सारी चीजें इस समय कांग्रेस के ना तो फेवर में दिख रही हैं कि उन्हें कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ होने वाला है, क्योंकि
अब जो निर्णय करेगी वो तो कोर्ट करेगी, कोर्ट से उनको राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन जनता के सामने ये बेनकाब जरूर हो गए हैं कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है। पर उमेश जी, इस बीच में ये सारी कोशिशें राज्यपाल के सामने अपने विधायकों की परेड कराना, लोगों के बीच में जाना कहना मेरे खिलाफ साजिश हुई, वो भी तब सारी चीजें कोर्ट में है, ये बाकी जो कोशिशें हैं इनको भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, इन कोशिशों का क्या मतलब है, किस तरह कोशिशें की जा रही है सर? देखिए ऐसा होता है कि आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे एक कहावत है, आप देश भर के सामने आप उजागर हो गए हैं, आपका चेहरा उजागर हो गया है, आप कैसी भ्रष्टाचारी माफिया राज की सरकार चला रहे थे ये उजागर हो गया है, अब आप उसके बावजूद बेशर्मी के साथ अड़े रहे तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, जो आपने नहीं दिया उसके बावजूद आप अगले दिन गवर्नर के पास चले गए, उसके बाद फिर आप उसी दिन आप जिस दिन राष्ट्रपति शासन लगा उसी दिन गवर्नर के पास चले गए, उसके बाद अब आप चलिए माननीय न्यायालय वो सबका अधिकार है कोर्ट जाने का, कोर्ट चले गए। अब बात यह है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवप्रभात जी ने, जो कि पूर्व मंत्री हैं तिवारी जी सरकार, नरेंद्र तिवारी सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ किताबों का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टर सुभाष कश्यप का कहना है कि किसी भी विधेयक का कोई भी अपोजिशन उसको अपोज नहीं किया जा सकता है, वित्त विधेयक को अपोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने मत विभाजन की बात पर एक बार भी ये नहीं कहा कि मत विभाजन भी नहीं मांगा जा सकता, उन्होंने ये भी कहा कि मत विभाजन नहीं मांगा जा सकता, जबकि संविधान में जिनका वो हवाला जिनकी किताब का हवाला दे रहे थे उन्होंने समाचार प्लस चैनल पर हमारे चैनल पर साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है, मत विभाजन की मांग यदि एक व्यक्ति भी करता है तो मत विभाजन देना होगा, स्पीकर की जिम्मेदारी है संवैधानिक की उनको मत विभाजन की मांग देनी होगी। तो कुल मिलाकर पूरा प्रकरण अब न्यायालय में, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक पीआईएल फाइल हो गई है, एडवोकेट है एमएल शर्मा, उन्होंने फाइल की है जिस पर सुनवाई अगले हफ्ते के लिए रख दी गई है, जस्टिस डी एस ठाकुर जी की कोर्ट में है, और अब ये पेच जो है कानूनी दांव पेच में बहुत ज्यादा फंस गया है, बहुत पेचीदा मामला हो गया है, क्योंकि मामला पेचीदा इसलिए हो गया है 1:55 पर 27 तारीख को सभी चैनल्स पर राष्ट्रीय चैनल्स पर ये ब्रेकिंग थी उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू जी, अगर किसी भी चैनल ने वो खबर चलाई है तो कम से कम वो एक घंटा आधा घंटा पहले की खबर होगी, जहां तक मेरा अब तक का तजुर्बा है इलेक्ट्रॉनिक की पत्रकारिता का। बिल्कुल, तो मेरा मानना है कि उधर स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछा गया कि साहब आपने उनको किस समय निलंबित किया, उन्होंने बर्खास्त किया, उन्होंने फिर पूछा दोबारा कितनी बार किया किस समय किया, उन्होंने कहा 2:30, फिर पूछा सर किस समय, उन्होंने कहा 2:30, अगर आप स्पीकर स्वयं मीडिया के सामने आके कहते हैं कि मैंने 2:30 निलंबित किया है तो फिर ये निलंबन कैसे माना जाएगा, क्योंकि बागी विधायक भी हाईकोर्ट चले गए हैं, हाईकोर्ट में इनका भी मामला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल चली गई है, तो ये रहा जो है डगर पनघट की बहुत आसान नहीं है, बहुत सारे पेच खप गए हैं और ये कानूनी दांव पेच में सरकार इस समय सरकार नहीं मतलब और प्रदेश फंसा मुझे नजर आता है, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर फैसला इधर से अब जो भी आएगा वो ये तय करेगा कि किस और जाएंगे, लेकिन उधर ही अगर मैं कहता हूं कि सरकार के फेवर में आ भी जाता है फैसला तो फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, अगर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो इधर ये जो बागी विधायक हैं इनको अगर कोर्ट से रिलीज मिल जाता है तो ये बड़ी पेचीदा स्थिति होगी, फिर दोबारा वही स्थिति क्रिएट हो जाएगी जो 18 तारीख को थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर करना बड़ा कठिन काम हो गया है, अब देखते हैं 2:30 कोर्ट क्या फैसला देती है और उसके बाद फिर आगे की रणनीति मुझे लगता है कि दोनों दल तैयार करेंगे अपनी। जी उमेश जी, आप मेरे साथ रहिए, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। मित्तल साहब, जो स्थितियां फिलहाल हम दिखाई दे रहे हैं जिसका जिक्र उमेश जी भी करें एडिटर इन चीफ समाचार प्लस, वो कह रहे हैं कि जो स्थितियां हैं वो लगातार पेचीदगी भरी हो रही है, दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही है, टेक्निकलिटीज बहुत है, ये कम से कम प्रदेश के हित में तो नहीं दिखाई देती तस्वीर। सुधांशु जी, मेरा ये कहना है जो मित्तल साहब आप हैं सुन रहे हैं,
अच्छा मित्र साहब आपका संपर्क सर हमसे कट गया, लेकिन उमेश जी मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा था जिस तरह का आज जो फैसला आएगा उसके बाद खबरें ये भी मिल रही थी, हमारे तमाम सहयोगी कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन के अलावा जो डबल बेंच में अपील करने की भी कोशिश की जा रही है और वो तैयारी पूरी की गई है, रिव्यू पिटीशन का कमोवेश वही फैसला रहता है, आप ही अच्छे से समझते हैं। लेकिन क्या है कि दोनों पार्टियों की तरफ से दोनों दलों के दोनों जो इस समय याचिका करने वाले और याचिका का जवाब देने वाले जो हैं वो दोनों ही दलों के साथ बड़े वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं सामने अभिषेक मनु संघवी दिख रहे हैं। हाँ। तो अभिषेक मनु सिंह भी कोई छोटे वकील नहीं है, देश के नामी गिरामी वकील हैं। बिल्कुल सर। और ऐसे ही इधर इनकी तरफ से कई नामी गिरामी वकील हैं, तो ये मामला सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत पेचीदा होने जा रहा है। जहां तक मैं देख रहा हूँ मुझे तीन जगह ये मामला न्यायिक प्रक्रिया में फंसा हुआ दिख रहा है। एक अब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा बागी विधायकों का हाई कोर्ट जाना अपनी सदस्यता को लेकर। तो अब तीन चीजें हैं, जब तक तीनों जगह से क्लियर नहीं हो जाएगा मामला तब तक कहीं भी मुझे ये मामला बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा कि सर अब कोई इस पे निर्णय हो पाएगा कि कोई भी दल ये तय कर पाएगा कि सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, सरकार पूर्व की जो थी वो रहेगा जो है वो वापस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो अब पूरा मामला जो है वो न्यायिक प्रक्रिया से लंबित है, अब यही देखना है कि क्योंकि इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि तीनों मामले न्यायालय में लंबित है जी। लेकिन सर इस सियासी कैलकुलेशन को आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं और इस बीच में आपसे समझना चाहता हूं ये जो टाइम का डिले है जितना समय खिंचता जाएगा इन कानूनी प्रक्रियाओं में जिनका जिक्र आपने भी किया, ये किसको ज्यादा सूट करेगा, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को? देखिए ये सूट तो जो है वो कांग्रेस को ही करेगा अगर ये जितना लंबा खिंचता है। ठीक है, क्योंकि फिर कल अगर डिले हो जाता है समय निकल जाता है और उसके बाद फिर बात ये रहती है कि चलिए अब सरकार नहीं बनेगी किसी की भी और चुनाव सीधा चुनाव में जाएंगे या कुछ इस तरीके की बातें आती है तो फिर ये मामला लंबा चलेगा जी। लेकिन चुनाव अभी क्या है, बागी विधायकों की जो पिटीशन है जो आज फाइल हुई है उसमें जो आधार लिए गए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और मुझे लगता है कि वो अपनी जायज लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक मुझे जो देखिए जो हम इस समय सार्वजनिक तौर पर देख रहे हैं, जो हमने स्पीकर की स्पीकर का बयान सुना, जो हमने उनके विधायकों के बयान सुने, जो हमने चैनल से देखा, जो हमें आइडिया है कि हम तो फिर भी कह रहे हैं कि आप कहते हैं 2:30 बजे निलंबित किया, हमें तो फिर भी लगता है कि अगर 1:55 पे सारे चैनल चला रहे हैं तो हो सकता है वो 2 घंटे पहले की भी खबर हो राष्ट्रपति साहब। बिल्कुल सर, बहुत माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जुड़ रहे हैं। मित्तल साहब आप मेरे साथ हैं, सुन पा रहे हैं मुझको इस बार? हेलो जी मित्तल साहब, मैं स्वागत आपके एक बार फिर से। सर जिस तरह की कैलकुलेशन और जिस तरह का डिस्कशन फिलहाल चल रहा है उसको देखकर यही समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि इन कानूनी पेचीदगियों के बीच में प्रदेश किस ओर जाता दिखाई दे रहा है। सांची जी मुझे तीन जगह जो दिक्कतें दिख रही है मैं उन पर चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। मुझे एक तो ये लगता है कि जिस तरीके से निलंबित विधायकों का जो मामला है उसमें स्पीकर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2:30 बजे मैंने निलंबन किया, 1:50 पर पूरे देश के सभी चैनल्स पर ये ब्रेकिंग थी कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू। अगर 2:30 बजे स्पीकर कहते हैं कि मैंने 2:30 बजे निलंबित किया और 1:45 बजे हुई खबर पूरे देश के चैनल्स पे थी तो इस हिसाब से तो लगता है कि राष्ट्रपति शासन का तकरीबन 1.5 घंटा पहले उस पर हस्ताक्षर हो गए होंगे। तो एक तो ये निलंबन का मामला, दूसरा मामला जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है मत विभाजन वाली बात जिसको लेकर राष्ट्रपति शासन लगने की भी स्थिति उत्पन्न हुई और ये सब बवाल हुआ। तीसरी चीज अभी जो हाईकोर्ट में जो मामला लंबित है ये कुछ ना कुछ मिलता जुलता है अरुणाचल के साथ और आपने अरुणाचल को बहुत नजदीकी से देखा है, मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा नजदीकी से शायद किसी ने अरुणाचल के मसले को नहीं देखा होगा, तो ये दोनों मसले कैसे अलग हैं? देखिए उमेश जी पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जो आपने स्टिंग ऑपरेशन करा था, धन्यवाद। पहली बार हिंदुस्तान की इतिहास में एक मुख्यमंत्री का दुराचरण और भ्रष्टाचार जो है वो एक टेप पे पकड़ा गया, सभी हाथ में जिसको कहते हैं पकड़े गए वो जी और बेनकाब हो गए।
आज तक वो ये कहते हैं ये फर्जी है, जो उसके साथ मूल प्रश्न जो जुड़े हुए हैं उसका किसी कांग्रेस वाले ने जवाब नहीं दिया। क्या वो आपसे मिले थे या नहीं मिले थे, क्या वो वहां पे एयरपोर्ट पे आए थे या नहीं आए थे, और क्या जो चेहरा दिख रहा है उस स्टिंग ऑपरेशन में उनका है या नहीं है। सिर्फ ये कहते ना ये फर्जी है, इससे नहीं हुआ, क्यों, उसका कारण बताता हूं मैं क्या है। उनके साथ जो सुरक्षा का पूरा घेरा चलता है तो उनकी लॉग बुक में सारी एंट्रियां हुई हुई हैं कि वो जो है वहां पे एयरपोर्ट पे इतने बजे से इतने बजे तक थे, वहां पे वो ऐसे फला फला उड़ के आए और वहां पे और किससे मुलाकात हुई, ये भी लॉग है वहां पे। तो इसलिए उनका इसको सिर्फ फर्जी कह देना इसका काम नहीं चलने वाला है। एक बहुत चीज है कि ये CISFL की जो लैब है चंडीगढ़ की, उसने इसको सर्टिफाई कर दिया है कि जो आपने स्टिंग ऑपरेशन करा था वो सही था। तो आज कांग्रेस के सामने तो चेहरा ही नहीं बचा ये कहने का कि वो फर्जी था। अब प्रश्न आता है कानूनी राउटेज का। देखिए आपने सोनी स्वराज जी का अगर आज का बयान देखा हो, उन्होंने कहा कि क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग चुका था उसके बाद स्पीकर का इनका निलंबन जो है वो गैर कानूनी है, इट इज इलीगल एब इनिशियो। जी इस्तेमाल करा उन्होंने एब इनिशियो करा कि शुरुआत से ही ये है गैर कानूनी है। तो जहां तक इनके निलंबन का और इनकी सदस्यता को समाप्त करने का है वो प्रश्न तो दो मिनट में कोर्ट में जाके उड़ जाएगा। मैं इसमें एक और चीज का ध्यान दिलवाना चाहता हूं जो लोग नहीं देख रहे हैं। दसवां अनुच्छेद जो है संविधान का, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के पे है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई विधायक या कोई भी सांसद विप का उल्लंघन करता है तो उसके पास 15 दिन का समय होता है उस विप के उल्लंघन को कंडोन करवाने का। 15 दिन का समय होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा ये 15 दिन का समय तो हुआ ही नहीं, उसके बाद भी स्पीकर संज्ञान ले सकता था और संज्ञान लेने के बाद उसको 7 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। और एक आप एक तरफ तो फ्लोर पर बहुमत साबित करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप 9 बागी विधायकों को एक दिन पहले बर्खास्त कर देते हैं। हाँ। नहीं और सुनिए, प्रश्न ये होता है कि साहब एक दिन पहले राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हुआ, कोई इस प्रश्न को जवाब दे रहा कि एक दिन पहले तुमने विधायकों को निलंबित क्यों करा, ताकि ही जो सदस्य जो वहां की गणित है हाउस की उसको तुम ऑल्टर करके हेन केन तकेण से अपना बहुमत सिद्ध कर दो। राजनीतिक में इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है क्या। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इनके देहात पर, पूर्व मंत्री हैं इनके नवप्रभात जी, उन्होंने ये कहा था कि वित्त विधेयक का को अपोज करना कहीं भी संविधान में नहीं है। दूसरी बात, मत विभाजन को भी उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं उनकी एक किताब का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि मत विभाजन की मांग नहीं कर सकता है। उसी समय हमने डॉक्टर सुभाष कश्यप को ऑनलाइन लिया और उनका हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाई तो उन्होंने कहा ये गलत है, मैंने ऐसा नहीं लिखा। मत विभाजन, अगर एक भी व्यक्ति पूरे हाउस में मत विभाजन की मांग करता है तो स्पीकर का संवैधानिक कर्तव्य कि उनको मत विभाजन की मानना पड़ेगा उस बात को। उमेश जी क्या हो रहा है कि आधा झूठ और आधी आधी कप उसके सहारे ये जो है अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इनके दिमाग में लगता है कि इनको ये समझते हैं हर एक कोई अनपढ़ है और किसी ने ना संविधान पढ़ा हुआ है ना संविधान के प्रावधानों की जानकारी है। उनका दुर्भाग्य ये है कि आप जैसे चैनल जो इतने सजग है वहां पे वो उनके झूठ का मिनट मिनट में पर्दाफाश कर रहे हैं और जनता के सामने इनकी इनकी राजनीतिक स्थिति और इनकी राजनीतिक कार्यशैली निम्रता को आपने जो है जनता के सामने लाके खड़ा कर दिया, इसके लिए भी मैं आपकी बधाई देना चाहता हूँ। मैं हैरान हूँ कि इतने जिम्मेदार लोग अपनी बहुमत सिद्ध करने के लिए या अपनी सत्ता को बचाने के लिए किस हल्के स्तर पर उतर आए हैं कि ना तो नैतिकता से उनका कोई लेना देना है, ना संवैधानिक प्रावधानों से उनका कोई लेना देना है, ना शुचिता से कोई लेना देना है, ना जो है इसकी मर्यादाएं क्या है उससे कोई लेना देना है। और उसके बाद ये नैतिकता की बात करते हैं तो मुझे तो वही ज्ञान आता है कि सौ चूहे खाके बिल्ली चली हज को। आप सही कह रहे हैं। इसमें एक और सबसे बड़ी बात है, प्रश्न ये है कि स्थितियां उत्पन्न क्यों हुई है। स्थितियां इसलिए हुई है कि जो
केंद्र जो इनकी केंद्रीय पार्टी है कांग्रेस की और उसके सरगना राहुल गांधी, इनका जो राजनीतिक अहंकार है उसने कांग्रेस में एक उफान पैदा कर रखा है। आपने अरुणाचल देखा, 4 महीने तक कली को फुल दिल्ली में 21 विधायकों के साथ बैठे रहे यहाँ पे, 21 विधायकों को लेके, और उनसे कोई कांग्रेस में मिलने को तैयार नहीं हुआ। आपने विजय भोगना जी का बयान देखा कि किस तरह 2 साल तक उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, और जब हरीश रावत जी ये बात करते हैं कि षड्यंत्र करा गया मेरी सरकार को गिराने का, तो बड़ा बड़ा ही आश्चर्य होता है मुझे। हरीश रावत जी, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता, जब विजय बहुगुणा जी की सरकार थी तब आप क्या क्या षड्यंत्र कर रहे थे और किसके साथ मिलकर क्या क्या कर रहे थे, अगर उसका खुलासा हो जाए तो बगले झांकते रहेंगे आप। तो कृपा करके इन सब चीजों की बात न करिए, राजनीतिक स्थिति वस्तु स्थिति और जो राजनीतिक सत्य है उसको पहचानिए। सुधांशु जी, जिस दिन ये स्टिंग ऑपरेशन चला उस दिन रात अंबिका सोनी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद शकील अहमद और कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे सब ये कहते रहे कि ये जो डॉक्यूमेंट्री चल रही है, कमेंट्री चल रही है स्टिंग ऑपरेशन के पीछे, ये सब कमेंट्री के अलावा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन किसी ने भी मेरी उस बात का, उस चुनौती का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई कि आप इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते। हाँ। क्या आपने, आप जिस दिन 27 तारीख को ये चला 12 बजे, उस समय आप प्रदेश के मुखिया थे, आप सीबीआई जांच की संस्तुति कर सकते थे। मैंने उस समय भी कहा कि अगर अगले 5 घंटे के अंदर आप सीबीआई जांच की संस्तुति कर दें वरना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। उस प्रकरण पर कोई बोलने को तैयार नहीं है पूरी पार्टी में। वही जी, जब रंगे हाथ पकड़े जाता है आदमी तो क्या कहेगा जी। ये एक ऐसी सबूत था जिसको झुठलाना जो है असंभव है, और जब झुठलाया नहीं जा सकता तो क्या कहो, अरे नहीं नहीं फर्जी है, नहीं नहीं फर्जी है। अच्छा, मांग जांच की कैसे कर ले, जब पता है कि जांच होते ही जेल में जाना पड़ेगा तो कैसे जांच कर ले। तो स्वाभाविक तौर पर, लेकिन मुझे लगता था कि मीडिया, देश का जो मीडिया है उसमें भी समझदारी होनी चाहिए थी, और राजनीतिक कमेंटेटर जो इस समय बहुत हैं उनमें भी समझदारी होनी चाहिए थी कि उनके झूठ को पकड़ के दुनिया के सामने पर्दाफाश करना चाहिए था उनसे। ये जो तीखे प्रश्न अभी आपने कहे, मैंने कहा कि उनसे पूछना चाहिए था कि भाई आप मिले थे या नहीं मिले थे, ये जो चेहरा है ये आपका है या किसी निशाचर का है। अभी एक राष्ट्रीय चैनल पर 2 दिन पहले रात्रि में बहस चल रही थी, मैं भी उस पर मौजूद था और डॉक्टर कश्यप भी थे और इनकी पार्टी के इनके प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी थे। मैंने उस समय भी एक ही सवाल उठाया कि आप मुझसे मिले थे या नहीं मिले थे, जिस समय मैं एयरपोर्ट पहुंचा आप आए थे या नहीं आए थे, आपकी मेरी उस समय मुलाकात हुई या नहीं हुई, इस वार्तालाप में आपका आप दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं, आप इस पर एक बार मुझे बता दीजिए। मैं दुनिया की किसी भी जांच या प्रक्रिया से गुजरने को तैयार हूं, अगर आपको लगता है कि ये डॉक्टर्ड है, ये बनाया हुआ है, फर्जी है, झूठा है, लेकिन इस बात का भी मुझे आज तक कोई संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला। उमेश जी, स्वाभाविक बात है कि चोर के पांव नहीं होते, खड़ा कैसे हो जाएगा। तो अब ऐसा है कि 2:30 बजे कोर्ट का फैसला आना है, उसी का बड़ा बेसब्री से सभी का इंतजार है, पूरा देश उस पर निगाहें बनाए हैं, पूरे देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सुधांशु जी। धन्यवाद धन्यवाद, और एक बार फिर बधाई आपको इस कार्य के लिए, एक राजनीति को सशक्त करने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल बता रहे थे कि किस तरीके से पूरी राजनीति आगे जाते हुए दिखाई दे रही है और क्या कुछ कांग्रेस कहती है और असल में उसका मुखौटा है क्या। उमेश जी आप मेरे साथ हैं, सुन पा रहे? चलिए उमेश जी, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2:30 बजे फैसला आएगा, लंच के बाद ये फैसला आना है और उस फैसले के बाद आगे की चीजें तय हो जाएंगी। जैसा कि एडिटर इन चीफ समाचार प्लस बता रहे थे कि ये अगर समय लंबा खिंचता है तो कांग्रेस के फेवर में जरूर जा सकता है, लेकिन जो कानूनी पेचीदगियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसके मद्देनजर सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। 3-3 जगह ये सारे मामले कोर्ट में हैं और अलग अलग मामलों में अब नई जो तकनीकी दिक्कतें हैं वो भी सामने आ सकती हैं। फिलहाल राष्ट्रपति शासन पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, अपने दर्शकों को बता दें, और कुछ ही देर में फैसला संभव है। लंच के बाद ही फैसला आने की बात कही जा रही है, लगभग 2:30 बजे के आसपास ये फैसला आ जाएगा, इस तरह की जानकारी फिलहाल हमको मिल रही है।
तो आने वाला फैसला काफी महत्वपूर्ण रहेगा। सारी चीजें इस समय कांग्रेस के फेवर में नजर नहीं आ रही है। एडिटर इन चीफ समाचार प्लस उमेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े और उनका कहना है मत विभाजन की मांग होती है तो मत विभाजन देना होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। दोनों दलों के साथ काफी नामचीन वकील हैं और उसी के हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि फैसला क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।